वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वक्त है पर्दा हटाने का। पर्दा उस हर एक पार्ट से जो एक सिविल इंजीनियर अपने कंस्ट्रक्शन लाइफ में फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। जब आप 5 साल 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये सारी प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में था, लेकिन एक्चुअल में यदि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो आपकी जो जर्नी है, आपका जो करियर स्पान है, वो बहुत जल्दी ही ग्रोथ कर जाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि वो सारे प्रॉब्लम को हम जान ले। बने रहेगा मेरे इस वीडियो के साथ, हम बात करते हैं वो हर एक प्रॉब्लम का। उससे पहले कॉन्क्रीट स्टेटमेंट की बात करते हैं। सिविल इंजीनियर इज अ की पर्सन दैट लीड पेपर ड्रॉइंग इनटू रियल फिजिकल थिंग। हम ऐसे इंसान है जो भगवान से भी अच्छे काम करते हैं। मैं घमंड वाइज नहीं कह रहा हूं यार, मैं अपने नॉलेज की बात कर रहा हूं। भगवान जो नहीं बना पाए, हम वो क्रिएट करते हैं। भगवान ने नदी तो बना दिया, लेकिन एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए ब्रिज हम बनाते हैं। भगवान ने इंसान तो बना दिया, लेकिन उन्हें आसियाना हम प्रोवाइड करते हैं। भगवान ने जमीनें तो बना दी, लेकिन उसमें रोड का निर्माण हम सिविल इंजीनियर करते हैं। तो सिविल इंजीनियर इज अ मेजर की ऑफ दिस यूनिवर्स। तो आपको घमंड नहीं, गर्व होना चाहिए अपने अंदर कि यू आर अ सिविल इंजीनियर, यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है। तो अब बात करते हैं उस हर एक प्रॉब्लम का जो एक सिविल इंजीनियर इस इंडस्ट्री पे फेस कर रहा है। फर्स्ट वन इज टेक्निकल वर्क इशू, नेक्स्ट वन इज लो सैलरी बस पूरा काम, एक्सट्रीम सीनियर प्रेशर, इंटरनल पॉलिटिक्स ये भी होता है हर कंस्ट्रक्शन साइट में, जीरो एक्सटर्नल सपोर्ट, लैक ऑफ ट्रेनिंग सपोर्ट, एंड द लास्ट वन इज जॉब वर्किंग स्टाइल। ये हर एक पार्ट में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल वर्क इशू का। टेक्निकल वर्क इशू का मतलब, हमने थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जैसे ही हम कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो जो एग्जीक्यूशन पैटर्न है, जिस तरीके से हमने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है एग्जीक्यूशन पैटर्न का, जैसे हम बात करते हैं ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क में हमने क्लीन क्लोजर पढ़ा है, इंग्लिश बॉन्ड पढ़ा है, फ्लेमिश बॉन्ड पढ़ा है, स्ट्रेचर बॉन्ड पढ़ा है। अब ये साइट में किस तरीके से यूज होता है, क्यों यूज होता है, हमको पता ही नहीं होता। सेम उसी तरीके से कॉन्क्रीट में हमने ग्रेड पढ़ा है M20, M20 का मतलब 1:1.5:3, लेकिन ऑन साइट जब हम बात करते हैं तो इसका कहानी ही नहीं होता। लेबर क्या बात करता है, 1:7:11, हमको पता ही नहीं 1:7:11 क्या होता है। वो 1:7:11 धमेला में कन्वर्ट करके बताता है, लेकिन जो पहला वन है वो सीमेंट का बैग है और बाकी सब धमेले हैं। तो इसको सॉल्व करना हमको ऑन साइट ट्रेनिंग, ये प्रैक्टिकल जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको आएगा ही नहीं। नेक्स्ट वन इज स्टील वर्क पे 12 मीटर का रॉड है। इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा था आपने, कि आपने पढ़ा था एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं, भैया RCC आपने डिजाइन किया, आपने एरिया ऑफ स्टील पढ़ा है, लेकिन ऑन साइट में 12 मीटर का रॉड मिल जाता है, बोले काट के लगा, पढ़े नहीं लगाए कहां से। तो ये सारे पैटर्न ऑन टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हमको प्रॉब्लम करता है। एंड द नॉमिनक्लेचर वर्क एंड आइटम्स। अब मैं नॉमिनक्लेचर की बात करूं कि आप जो साहुल देखे होगे, जो ये साहुल दिख रहा है, ये साहुल को हम बोलते हैं प्लम बॉब, लेकिन साइड में बोलते हैं साहुल, गोली, लटकन, ये सारे नाम है इसके। और इसी के साथ साथ जो एक और आइटम दिख रहा है, इसको बोलते हैं राइट एंगल, लेकिन साइड में कहा जाता है गुनिया। ये सारे पार्ट क्या है भैया, गुनिया तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने इंजीनियरिंग जब हम कर रहे थे तो ना डिप्लोमा में पढ़े, ना डिग्री में पढ़े, ना एमटेक में पढ़े, तो किस समय ये सब सारे आइटम हम पढ़ेंगे। ये हम सारे आइटम पढ़ते हैं ऑन टाइम ऑफ ट्रेनिंग, जब हम किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये आपको नॉमिनक्लेचर ऑफ वर्क, ये बड़ा इशू है हमारे साइड पे। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग रीडिंग। इंजीनियरिंग में हमने ड्रॉइंग रीडिंग में आर्किटेक्चर ड्रॉइंग पढ़ा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता था सारे, डिप्लोमा में भी है और डिग्री में भी है, तो हमने आर्किटेक्चरल प्लान पढ़ा है, लेकिन यहां तो स्ट्रक्चरल प्लान का भी डिमांड है। सिर्फ आर्किटेक्चरल नहीं, स्ट्रक्चरल प्लान भी हमको पढ़ना पड़ता है, हमको प्लम्बिंग ड्रॉइंग भी पढ़ना पड़ता है, हमको MEP ड्रॉइंग भी पढ़ना पड़ता है। ये कब पढ़ेंगे हम, ये सारे टेक्निकल वर्क इशू है जब हम साइट में जाते हैं एज अ फ्रेशर या एज अ अनस्किल्ड कह सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पार्ट है, उन सॉल्यूशन में बाद में आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, the next one is low salary but पूरा काम। भैया स्टार्टिंग में तो 8-10-15 हजार रुपए से ज्यादा कोई देता है, लेकिन जो हार्ड वर्क ओरिएंटेड है कि सबसे स्टार्टिंग पे आपको लेबर ही संभालना है शुरू से लेकर लास्ट तक। सुबह गए लेबर से साथ रहे, दिन भर धूप में रहे, ये जो गोरी गोरी चमड़ी है ना काली हो जाती है पूरी की पूरी, तो लेबर हैंडलिंग आपको करना ही पड़ता है। उस जगह से उठ के कैसे आप ऑफिस में पहुंचोगे, कैसे आप सीनियर बनोगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर एक सिविल इंजीनियर को जो अपना करियर स्टार्ट करता है। सीनियर ओवरवर्क, कि सीनियर के पास यदि 10 काम है जो कि उसी का काम है, लेकिन वो हमको दे देता है, माफी चाहता हूं मैं इस वर्ड का यूज कर रहा हूं, लेकिन वो हमको इसलिए दे देता है ताकि वो फ्री होके बैठे रहे। इस काम पे डबल व्यू निकाल सकते हो आप, पहला तो कि आपको जबरदस्ती ओवर लिमिट पड़ जा रहा है, आपके पास जो पहले काम था वो तो करना ही है, साथ ही साथ सीनियर का भी काम करना है। यदि आप मेरे बात से सहमत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, जो नीचे डिस्कशन है आप वहां डिस्कशन करो, यदि आपका बॉस भी इस तरीके से करता है तो। और इसमें दूसरा जो पहलू है पॉजिटिव, कि आप कम एक्सपीरियंस होते हुए भी आप सीनियर का वर्क संभाल रहे, तो बहुत जल्दी आपको आगे ग्रोथ होने का चांसेस मिल जाएगा।
एंड द नेक्स्ट वन इज नो लीव एंड फ्री टाइम. भैया छुट्टी तो मिलता ही नहीं, एक छुट्टी मिलता है 15 अगस्त, दूसरा छुट्टी मिलता है 26 जनवरी, यही एक परमानेंट छुट्टी है. वो विश्वकर्मा जयंती के दिन भी आगे हमको पूजा करवा लेते हैं, जिसके कारण हमको साइड में रहना पड़ जाता है कम से कम हाफ डे. तो लीव तो मिलता ही नहीं, लीव भी लेना चाहोगे तो बोल देते हैं भैया कास्टिंग करवा 10 दिन पे पूरा का पूरा, फिर एक दिन की छुट्टी मार के आ जा. अब हमको पता है 10 दिन में स्लैपी कास्टिंग हो ही नहीं सकता, तो मतलब छुट्टी तो नामो निशान नहीं है. जो हमको बोलते हैं हमारा फ्री लाइफ स्टाइल, वो पॉसिबल ही नहीं है. एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, इसको पार करके आपको आगे जाना है, तो आपको आपका टेक्निकल स्किल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पोजिशन आपके कंस्ट्रक्शन साइड में बढ़ाना पड़ेगा. लो सैलरी रिलेटेड सीनियर वर्क, काम हम तो कर रहे हैं सुबह से शाम तक साइट पे, हमारा सैलरी 15,000, सीनियर ऑफिस में बैठ रहते हैं मस्त एसी में, उसकी सैलरी 80,000, तो वो कम काम करता है. मैं फिर से माफी चाहूंगा इस वर्ड को यूज कर रहा हूं कि वो ऑफिस में बैठे रहता है, लेकिन हमारी सैलरी होती है 12,000, उसकी सैलरी होती है 80,000. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वो वाला काम करने अभी से लग जाओ तो आपको 80,000 रुपए सैलरी मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, क्योंकि एज ऑफ एक्सपीरियंस काउंट्स ऑलवेज. कम समय पे अच्छी सैलरी पाने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको बिलिंग इंजीनियरिंग अच्छे से आ जाए तो आप बहुत जल्दी अपना सैलरी ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो उसके पास एज ऑफ एक्सपीरियंस है वो आपको समय रहते ही आएगी. द नेक्स्ट वन इज ओवरऑल कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, कि आपने कंपनी का जो सीनियर का काम था वो तो कर दिया, लेकिन आपको चांसेस नहीं मिलता उसको रिप्रेजेंट करने का. क्यों? क्योंकि उसको बॉस रिप्रेजेंट करता है, जो आपका सीनियर है वो आपने जो MD होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा. आप काम कर रहे हो लेबर का, आप पूरे कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज कर रहे हो, आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर का बिल भी बना रहे हो, लेकिन पूरी क्रेडिट ले जाता है आपका सीनियर. कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट हो जाता है सीनियर का, इसलिए हमको पूरा काम तो करते हैं लेकिन मिलता है लो सैलरी. आगे बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीम सीनियर प्रेशर. सीनियर तो उनको इस तरीके के इंजीनियर चाहिए जो अनप्लान्ड वर्क कंप्लीट कर ले तुरंत ही. आपने वो खट्टा और मीठा मूवी देखा है? वो खट्टा मीठा मूवी कैसा है कि वो जो टिचकुले कंस्ट्रक्शन कंपनी था जिसमें जॉनी लीवर आता है और कहता है अब भी करके देता हूं, अब भी करके देता हूं. तू गिर गर्दन घाट का नाम नहीं सुना क्या? वो ऐसा ही हमको हमारा सीनियर चाहता है कि इसको मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी, ये अब भी करके दे. लेकिन ये साइड में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको कई बार हाँ बोलना पड़ता है, हाँ भैया कर दूंगा, पता नहीं होगा, उसको भी पता नहीं होगा, लेकिन वो जबरदस्ती आपको प्रेशर दे रहा है, कर कर कर. कैसे हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल. डू अनदर जॉब, कि आपका वो काम नहीं है. जैसे कि आपका जो सीनियर है उसका कोई दोस्त कॉन्ट्रैक्टर बन गया, अब उस कॉन्ट्रैक्टर का भी काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको रिलेशन बना के रखना है अपने सीनियर के साथ. तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्टर्स जॉब, बहुत बार आपको बिल बनाना पड़ता है जो आपका काम नहीं था, कुछ मिलने वाला भी नहीं, पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जाएगा कॉन्ट्रैक्टर और बॉस, पूरा क्रेडिट भी ले जाएंगे वो, लेकिन काम किससे करवा रहे हैं? आपसे. फिर से इसमें दो पहलू है, एक तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा रात रुक के, और दूसरा थोड़ा सीखने मिल सकता है यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है और एट द साइड. एंड द नेक्स्ट वन इज बेगारी वर्क. बेगारी वर्क बहुत करना पड़ता है कि भैया बॉस को यदि घर जाना है, उनको कुछ काम है तो बॉस का घर का काम करना पड़ता है, हो सकता है कोई MD है तो MD का काम करना पड़ जाता है. वो ऐसे ऐसे काम जो कि आप चाहते भी नहीं, वो काम आपको बेगारी वर्क, कि पानी का पंप नहीं है आपके साइड पे तो आपको पंप व्यवस्था करना पड़ता है, दूसरे साइड से उठा के ले जाए, पहले साइड पे रखे, भैया अब लेबर काम करेगा, फिर लेबर को भेजोगे बोलेगा भैया इसके लिए मेरे को पैसा नहीं मिलता. तो सारे बेगारी वर्क भी हमको ही करने पड़ते हैं. यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो मैं चाहूंगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो फिर से मैं चाहूंगा कि आप लाइक बटन दबा के मेरा उत्साह बनाओ, ताकि हमारी टीम पूरी की पूरी सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए इस तरीके की टॉपिक और लाते रहे. बनी रहेगा मेरे साथ, अभी तो बहुत सारी टॉपिक की बात करना है यार. नो इक्विपमेंट बट हाई क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब क्या? जैसे कि मैंने अभी बताया आपके पास पंप नहीं है, 10 साइट है और पंप है 2, लेकिन क्यूरिंग हर साइट में करना है तो कैसे पॉसिबल है? वो उसी पंप को उठा के ले जाओ, कंक्रीट हो रहा है और एक तो चाइना वाला वाइब्रेटर दे दिया है आपको और कॉलम की कंक्रीटिंग कर रहा है, तो वाइब्रेटर पहुंच ही नहीं रहा है वहां तक, बोल रहा है भैया बंबू से काम कर ले, और लास्ट में हनी कुमार आ रहा है. ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो पानी का व्यवस्था नहीं है, हम उसको पूरा का पूरा वेट नहीं कर पा रहे हैं. क्यूरिंग करने के लिए व्यवस्था नहीं है, सीमेंट रखने के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी सेफ रखना है. सीमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं है. एक ठेला दे दिया जिसमें से 5-7 बैग आता है सीमेंट का, उसमें आपके पास 10 कॉन्ट्रैक्टर, किसको ठेला दोगे? ठेला खराब हो गया तो वो भी बनवाएगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर. तो इतने सारे इक्विपमेंट ना देने के बावजूद भी कंपनी चाहता है कि आपसे हाई क्वालिटी वर्क ले ली जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम प्रेशर. ये सारे प्रॉब्लम हमको ऑन साइट झेलने पड़ते हैं. आगे लेके चलता हूं और कितनी टाइप की समस्या होती है साइट में यदि हम वेल एक्सपीरियंस या वेल ट्रेंड नहीं है तो. द नेक्स्ट वन इज इंटरनल पॉलिटिक्स. यदि कोई सुपरवाइजर आपके साइट पे 5-7 साल से का ज्यादा काम कर लिया है तो सुपरवाइजर ही बॉस बन जाता है. उसका एक डायलॉग मैं आपको एकदम फेमस होकर समझाता हूं. वो कहता है भाई ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसे सिविल इंजीनियर तो मेरे आंखों के सामने कितने आए कितने गए.
दो चार महीना रहते हैं, बॉस भगा काम करते नहीं साले अच्छे से, बॉस इनको लात मार के भगा देता है, सुपरवाइजर ही बॉस बन जाते हैं। इनको बोलोगे कि भैया कुछ थोड़ा सा समझा दो कि बॉस को कैसा पसंद है, कैसा रिपोर्ट पसंद है, किस तरीके से मैं उनको रिपोर्ट सबमिट करूं, तो जीरो कोऑपरेशन, कोई कोऑपरेशन नहीं होता कि भैया भाड़ में जाता हूं, तू इंजीनियर तू देख। लेकिन हम तो नए होते हैं ना, हमारे पास आधा महीने का एक्सपीरियंस होता है, दो महीने का एक्सपीरियंस होता है, कुछ साल भर का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक्सपीरियंस किसी और का था, आ गए किसी के साइड पे, तो जीरो कोऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज मेक फन ऑफ इंजीनियर, कहते हैं कैसे कैसे इंजीनियर आ जाते हैं साइड पे, इनको काम ही करने नहीं आता, कहां से डिग्री लिया तू, थोक के भाव में डिग्री मिल रहा है, एक पत्र उठा के मारो साला किसी ना किसी इंजीनियर को ही पड़ेगा। इस टाइप का वर्ड यूज करते हैं सुपरवाइजर्स। लेकिन यदि उसी टाइम पे यदि आपने इसको अपना दोस्त बना लिया तो सबसे अच्छे सपोर्टर्स भी होते हैं ये। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं यार, 10 में से 2 तो हर जगह खराब ही होंगे, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। लेकिन वो जो खराब होते हैं ना, वो बहुत सारे इंजीनियर का करियर बर्बाद कर देते हैं। वो कुछ लोग, कुछ इंजीनियर तो अपने ईगो में आ गया, सुपरवाइजर से ऐसे बात कर रहा है, मैं साइट ही नहीं जाऊंगा, उसे सुपरवाइजर कुछ नहीं हुआ, जॉब चले गया बेचारे इंजीनियर का। तो ये मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं ताकि जब भी आप जॉब करने जाओ तो ऐसा फेस हो तो आप समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम सबको आता है, आप यूनिक नहीं हो। एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरे जगह जाओगे तो दूसरे जगह भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है। तो जॉब नहीं छोड़ना है, उस जगह पे सर्वाइव करना है, उस जगह पे लीडिंग करना है, धीरे 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 लोगों को मैनिपुलेट कर करके। देन नेक्स्ट वन इज मेंटल हरासमेंट। सिर्फ ये सुपरवाइजर ही नहीं, अब ये सुपरवाइजर क्या करेगा, लोगों को बताएगा, कॉन्ट्रैक्टर को बताएगा, अपने आपके सीनियर को बताएगा कि साहब कैसे कैसे लोग इंजीनियर बन जाते हैं आज के समय पे, वो आपका जो MD है वो कहीं से घूम घूम के आएगा, एक छोटी सी भी गलती पकड़ेगा और आपको इतना तेज सुनाएगा ना कि साले इंजीनियरिंग किया है कि पैसे देके पास हुआ है, बाप ने घुस देके पास करवाया क्या तेरे को। इस टाइप का भी लैंग्वेज यहां पे यूज होता है। फिर से बता रहा हूं, हरासमेंट झेलने का, फ्रस्ट्रेट नहीं होने का, आपको रिवर्ट बैक नहीं करना है, आपको आपके काम से सेटिस्फाई करना है। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सीखते जाओ और उसी जगह पे रहकर लीडर बनो ताकि सुपरवाइजर और बॉस आपकी गुलामी करना चालू कर दे कि भाई साहब यदि पुष्पेंद्र सिंह नहीं होगा साइट पे तो साइट में काम नहीं होगा, संभाल करो बाबू भैया है ये। उसी जगह पे आपको लीडर बनना है तो ये दोनों को अपने अंदर करना पड़ेगा। The next one is, जो प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है वो जीरो एक्सटर्नल सपोर्ट। आपको कभी-कभी ये भी समझ आएगा कि यार जो मेरे को नहीं आता मैं कहीं से सीख लेता हूं, लेकिन इतना कम समय होता है ना कि आप कुछ चीज सीख भी नहीं सकते और आप सोचोगे कि साइट में जाकर सीख लें, तो जो सुपरवाइजर MD या सीनियर है उनके पास समय ही नहीं है और कोई चाहता ही नहीं आपको सिखाए। तो फुल डे हरासमेंट के बाद नो ऑन साइट ट्रेनिंग, पूरे दिन आपको लेबर संभालना है, पूरे दिन काम करना है, लेकिन सोचेंगे कि हम साइट में जाकर कुछ सीख जाएंगे तो 1% भी आप सीखने वाले नहीं है। कई बार तो हम यही उम्मीद कर लेते हैं यार सीनियर अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर दे कि ये काम हो रहा है ये तो दिख गया, लेकिन और टाइप के काम किस तरीके से होते हैं यही बता दे वो भी नहीं बताते। उसके पीछे का एक रीजन है, यदि वो आपको सिखा देंगे तो वो आप उनके चेयर पे जाके बैठ जाओगे तो उनका जॉब खतरे में आ जाएगा। इसलिए मैक्सिमम इंजीनियर कॉर्पोरेट सेक्टर में यही चाहते हैं कि इसको हटाओ, निकालो यहां से, कि कोई भी टिकना नहीं चाहिए, यदि टिका भी है तो नीचे ही रहे। और यहां तक कि ये भी बात है कि वो कम समय में आपसे ज्यादा आउटपुट चाहेंगे, क्योंकि आप काम कर नहीं पाओगे तो आप हमेशा उनसे दब के रहो कि हां भैया हां भैया हां भैया तू ही माई बाप है, तू ही माई बाप है, कंप्लेन मत कर देना ऊपर बॉस को। पता चला कि उसने आपको काम दिया था, आप काम नहीं कर पाए, ये कंप्लेन कर दिया उसने आगे बॉस को, तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो इसलिए हमेशा वो आपको ज्यादा वर्कलोड दे के रहेंगे ताकि आप उनके हमेशा झोली के नीचे रहो। और यदि आपने काम कर भी दिया कम समय पे तो जीरो क्रेडिट मिलने वाला है आपको। वो अपनी पीठ खुद तपतपा लेगा MD के सामने, क्योंकि रिपोर्ट तो आप सबमिट करने जाओगे नहीं MD को, MD को तो रिपोर्ट आपका सीनियर सबमिट करेगा। तो इसलिए जीरो रिपोर्ट और नो कंप्लीशन। एंड द नेक्स्ट वन इज जॉब फियर। हमेशा आपको डर बना रहेगा कि यार मेरा जॉब ना चल दे, मेरा जॉब ना चल दे। तो प्लीज मैं बता रहा हूं ये कॉमन फैक्टर्स हैं, इसको हमेशा ये समझ के रहना, ये कॉमन चीज है। इसके लिए अपना डिप्रेशन क्रिएट नहीं करना है अपने अंदर, ना जॉब छोड़ना है, बस उस जगह रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते जाओ और एक एक करके काम सॉल्व करते जाओ। आगे लेके चलता हूं और क्या क्या पार्ट है। देन लास्ट वन इज लैक ऑफ ट्रेनिंग सपोर्ट, कि भैया ऑन साइट ट्रेनिंग कोई चांस ही नहीं है क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है आपको सिखाने के लिए। और साइट में हम टेक्निकल नॉलेज नहीं सीखते यार, साइट में हम काम करवाना सीखते हैं कि लेबर से कैसे काम करवाया चल जाए। यदि हमको बात करें हम कंक्रीटिंग का, तो कंक्रीटिंग का ग्रेड मिनिमम हम कंक्रीट में यूज करते हैं, RCC वर्क में M20, लेकिन साइट में तो कुछ भी होता है, M15 बनता है, M12 बन रहा है, M17 बन रहा है। हम मोर्टार की बात करते हैं कि भैया जो हाफ थिक वॉल है, 100 mm की वॉल है, उसमें 1:4 के रेशियो से ज्यादा का मोर्टार यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पे 1:6 यूज हो रहा है, 1:7 यूज हो रहा है।
क्योंकि उनको काम करवाना है। टेक्निकल आईएएस कोर्स तो एक अलग मैटर है, तो आप टेक्निकल नॉलेज वहां से नहीं सीख सकते। और आपको प्रॉब्लम बताता हूं, नो एक्सपीरियंस शेयरिंग। कोई भी सीनियर अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करता, क्योंकि आप सीख जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। एंड द ट्रेनिंग लाइक गुलाम, वो आपको हमेशा गुलाम टाइप ही ट्रीट करने वाला है। यदि ऐसा हो रहा है तो घबराने का नहीं, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये सोच के जॉब नहीं छोड़ने का है आपको। एंड द लास्ट वन इज जॉब वर्किंग स्टाइल। हम सोचते हैं डिग्री मिल गया कि अब ब्रीफकेस लेके जाएंगे, एक साइड में एक ऑफिस होगा मस्त, वहां पे एक चेयर लगा होगा, टेबल लगा होगा, ब्रीफकेस रखेंगे, लैपटॉप खोलेंगे और काम करना चालू कर देंगे। ये सोच के हम साइड जाते हैं, लेकिन साइड में मिलता है एक टीने का सेट, धूल भरा हुआ टेबल, एक प्लास्टिक का चेयर जहां पे कूलर भी नहीं लगा है, पंखा लग गया तो बहुत किस्मत वाले हो आप, आपके साइड पे पीने का पानी और मटके में बोर का पानी लाके डाल देंगे। बस यही कहानी है पूरे साइट का। वर्किंग स्टाइल किसी भी कंपनी का, मैक्सिमम कंपनीज ऑन साइट की बात कर रहा हूं मैं, कुछ चुनिंदी कंपनियां ये हैं जो अपने स्टाफ का केयरिंग करते हैं, जिसमें से फुल्ली नॉन प्रोफेशनल लोग, कि प्लानिंग कोई है ही नहीं काम कराने का, कि फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक काम कराने का कुछ नहीं, जो मन में आप करवा रहे हैं। ब्रिकवर्क का कॉन्ट्रैक्टर आ गया तो ब्रिकवर्क चालू हो गया, चार बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो पूरे जान लगा के, और एमडी ने कहा कि भाई पांचवा बिल्डिंग आज कंप्लीट करना है, तो चार बिल्डिंग का लेबर उठा के लाया और पांचवें बिल्डिंग में डाल दिए। इस टाइप का काम होता है, और एमडी दो महीने बाद आएगा बोलेगा ये भाई कैसे काम करवाया है, आधा काम करवा के छोड़ दिया है, जबकि बोला वो वही है कि पूरा लेबर उठाओ और पांचवे में डाल दो। अब आप बोलोगे सर आप ही ने कहा था वो लेबर उठाओ और पांचवे में डाल दो, अरे यार इतना नहीं समझ आता है, छोटा मोटा काम तो पहले करवा लेना चाहिए था, उस समय नहीं करवाते तो भी दिक्कत, और करवा दियो तो भी दिक्कत है। तो हर टाइप की समस्याएं आपको इस इंडस्ट्री में आने वाली है, तो एकदम बिंदास होकर चलना कि ये समस्याएं जीवन पे होती है। सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं। यदि आपने बिल बना के रखा भी है तो पहले बोलेंगे क्या कचरा संभाल रहा है, तो दो सालों से आपने अच्छा खासा पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखा भी है डिटेल में, तो अपन वो कहेगा क्या कचरा संभाल रहा है, हटा फेंक इसको, जगह घेर रहा है अलमारी का। लेकिन आज से दो चार महीने बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं फंस गया, कोई कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम कर दिया, अरे वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जो अभी तेरे को तेरा काम है, वो तेरे को रखना चाहिए, मैं बोल दिया तो क्या हुआ, तेरे को रखना तो चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज वर्किंग स्टाइल। भैया हमको पता है कि 14 दिन मिनिमम स्लैब की सेटिंग रखना है, 7 दिन मिनिमम हमको सेटिंग रखना है, या 1 दिन हमको कॉलम की सेटिंग मिनिमम रखना है वर्टिकल फेजेस को, लेकिन कोई वर्किंग स्टाइल नहीं है। उनका मन करे तो 4 घंटे में खुलवा देंगे, खोल इसको दूसरी जगह लगा। अब हम तो इंजीनियर है, हमने थोड़ा टेक्निकल पढ़ा है, भैया कॉलम मर जाएगा सर मत करो, थोड़ा सा 4 घंटे के लिए वेस्ट कर रहे हो आप कॉलम के लाइफ को। अरे नहीं नहीं नहीं, लेबर खराब हो रहे, तुरंत हटाक बैठा वहां पे, कुछ काम आ गया आपको ब्रिकवर्क करना है, भैया कम से कम हमको 7 दिन क्यूरिंग करना है ब्रिकवर्क में, लेकिन 2 दिन क्यूरिंग हुआ, तीसरे दिन से प्लास्टर चालू। ये मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं, यहां से बड़े बड़े कांड होते हैं साइट पे जो कि फुल्ली नॉन प्रोफेशनल होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हमको ऐसा काम भी करवाना पड़ेगा, कि पानी दिख रहा है गड्ढे पे, हमको पता है इसमें कॉन्क्रीटिंग नहीं हो सकता, फिर भी वो सूखा कॉन्क्रीट मिला के कॉन्क्रीटिंग कर देंगे कि भैया डाल कैसे भी खड़ा कर कॉलम। और ऐसे ही बिल्डिंगें कोई ना कोई सब के सब चल जाते हैं हमारे देश में, ये तो सबसे बड़ा समस्या है कि चल जाता है, और उस चलने के चक्कर में एक दो बिल्डिंग गिर जाता है, बेचारों की सालों की मेहनत, जो पैसा कमा के लोग घर बनवाते हैं, किसी एक सिविल इंजीनियर के कारण वो पूरा का पूरा घर गिर के उसी पूरी खानदानी खत्म हो जाती है। बहुत सारा केस आपको सुनने मिलेगा, बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरते हैं, अभी रिसेंटली एक पुणे में गिरा, एक मुंबई में गिरा, एक दिल्ली में गिरा, नोएडा पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। रीजन क्या, खोज रहे हैं कभी कभी जाएंगे कभी उसमें, अब उसमें तो सीबीआई आएगा नहीं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है पुलिस को पैसा देके कहानी खत्म हो जाता है। आगे लेके चलता हूं कि नो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, मतलब एमडी को यदि साइट पे आ रहा है तो उसको सीनियर से बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजर में सीनियर इंजीनियर से बात करें, सीनियर इंजीनियर अपने जूनियर इंजीनियर से बात करें, जूनियर इंजीनियर अपने सुपरवाइजर से बात करें, सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, कोई हायरार्की नहीं। एमडी आया डायरेक्ट सुपरवाइजर को चमकाना चालू, एमडी आया बिलिंग इंजीनियर को पकड़ के दबत्ती दे रहा है, अबे क्या कर रहा है, बिल क्यों नहीं बना रहा है, जबकि पूरा का पूरा रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को हो रहा है, कोई हायरार्की पैटर्न ही नहीं है। एमडी जिसको मना है उसको एक दो, यदि साइट पे एक टुकड़ा स्टील भी पड़ेगा रहेगा ना, उसके लिए भी कई बार प्रोजेक्ट मैनेजर को गाली सुनना पड़ जाता है, ये वेस्टेज करवा रहे हो आप। तो एक ईंटे का गिनती बता देते हैं कि भैया 3 रुपए का ईंटा है उठा और रख, यदि 10 ईंटा भी खराब बचा लिया तू तो अपना सैलरी का कुछ परसेंट बचा लेगा 30-40 रुपए। इसलिए हर एक ईंटा वेस्टेज नहीं होना चाहिए, 0% वेस्टेज की बात करते हैं अपन कंस्ट्रक्शन साइट में। एंड द लास्ट वन इज एनीथिंग एनी टाइम, जब मन हो जैसा मन हो जो मन हो काम करवाना चालू। किसी क्लाइंट ने अच्छा पैसा दे दिया तो सारे काम बंद करवा के उसका काम चालू हो जाएगा, वही क्लाइंट यदि 2 महीने बाद पेमेंट बंद कर दिया करना तो उसका काम बंद करवा के किसी और का काम करने चालू हो जाएगा। आपने प्लानिंग किया है 1 साल का, फिर आपने उसको मंथली प्लानिंग किया, फिर आपने उसको वीकली प्लानिंग किया, और आपने डेली प्लानिंग किया, थोड़ा सा यदि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के इंजीनियर हो तो आपने ये सब प्लानिंग करके रखोगे, लेकिन पता चला पूरा प्लानिंग उठा कचरे में डाल, वो जाकर लेबर टाइप काम कर, ये पूरा व्यवस्था है। इस व्यवस्था को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक सीनियर इंजीनियर, एक बिलिंग इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर ऑन साइट में जरूरत होता है,
जो कि वेल ट्रेंड हो। यदि आप इन सारे चीजों से ट्रेंड हो तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और यदि आपको ये सारी कोई भी तकलीफ हो रही है तो समझ लो कि आप एक रियल में सिविल इंजीनियर हो। ये प्रॉब्लम को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यदि आपने प्रॉब्लम को फेस किए बिना जॉब छोड़ के सोचा कि ये कंपनी अच्छा नहीं यार दूसरी कंपनी में जाऊंगा, तो दूसरी कंपनी भी हो सकता है इससे और महान हो। इसलिए जॉब नहीं छोड़ना है, जिस कंपनी में हो डट के रहो, उसी कंपनी में आगे बढ़ो, और डेफिनेटली मैं आपको बताता हूं कि आप तरक्की करोगे ही। और यदि आपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के बारे में जाना नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, जिसमें 2,240 रुपए का कोर्स 199 रुपए में मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तुरंत जाओ, तुरंत पता करो कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं उसी दोस्तों से जुन के साथ अगले वीडियो में। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ।